मैं तीर अंदाज। अल्लाह करे ये तीर तेरे कलेजे में लगे। शर्म नहीं आती बेशर्म को। जिसने की शर्म उसके फूटे करम, जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। बात समझ में आई? अभी समझ लेती हूँ तुझे। जाती हूँ तेरी माँ के पास, तेरी हड्डी ना तुड़वाई तो मुझे रखो ना कहना। और अगर मैंने तुम्हारा एक घड़ा भी साबुत रहने दिया तो मुझे मिर्जा ना कहना। जरा ठहर तो सही, और ही से पकड़े। चाची सलाम। जीते रहो बेटे। कहाँ जा रही हो? चौधरी के घर मक्खन देने। मक्खन? चाची तुम्हारे पीछे कौन है? अरे मेरा मक्खन। ए मिर्जा के बच्चे निकले तेरा जनाजा। हो जाए। चाचा सलाम। जीते रहो बेटा। मुबारक हो चाचा। मुकदमा तो क्या जीता है, आँखें नहीं मिलाते हो। क्यों मिठाई खिलाने से डरते हो? मिठाई क्या तुमसे अच्छी है बेटा? मिठाई तो क्या खिलाओगे, कम से कम हाथ तो मिलाते जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं। हर तेरी ऐसी तैसी, बदतमीज कहीं का। कमीज तो मैंने पहनी हुई है चाचा। जाता हूँ तेरी माँ के पास, ऐसी नायलायक औलाद को तो गला घोट कर मार देना चाहिए। अच्छा किसी दिन गला भी घोट दूंगा। सलाम चाचा। सलाम का बच्चा। मिया जी आ रहे। चुप। तेरी शैतान की। मिया जी शैतान बिचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसे क्यों गाली देते हो? अच्छा तो तू है नामाकूल नालायक। खैर शैतान के बच्चे, कहता हूँ तेरी माँ को जाके। जाइए जाइए मिया जी, जहाँ 10 गए वहाँ 11 और सही। जाइए जल्दी कीजिए। चाची तेरे लाडले ने तो नाक में दम कर रखा है, रोज हमारे घड़े तोड़ देता है, हम क्या करें? कहाँ से लाए रोज नए घड़े? आज मेरा 16वां घड़ा टूटा है। और मेरा 18वां है। 18वां? और घड़ों की तो कोई गिनती ही नहीं, घड़े तो घड़े, आज मेरी मटकी भी फोड़ गया है। आज आने दो ही से। सुन रहे हो भाई, अपने लाडले भांजे की करतूत? शिकायतें सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए हैं। सलाम बहन। सलाम भाई। शिकायत लाया हूँ, तुम्हारे बेटे ने मुझसे हाथ नहीं मिलाया। लाओ बहुत शौक है तो मैं तुमसे हाथ मिला लेता हूँ, आइए। अगर मेरी औलाद ऐसी होती तो मैं उसका कीमा कर देती। बेटा जन्ने बैठी थी। मगर चाची तुम्हें उसने क्या कहा? मेरा सारा मक्खन खा गया, अब मैं चौधरी को क्या खिलाऊं, उसका कलेजा? तौबा तौबा, ऐसी शैतान औलाद, मेरी दस्तार मुबारक ही गायब कर गया था। और ऐसे लड़के भी कभी जन्नत में जा सकते हैं? नामुमकिन। नहीं उससे पहले तो आप ही जन्नत में जाएंगे। देख लो भाई अभी सुबह हुई है, मेरा तो इस लड़के ने जीना हराम कर दिया है। जी चाहता है किसी कुएं में डूब मरूं या कुछ खा के सो रहा हूं। बहन इस उम्र में बच्चे शरारते किया ही करते हैं, मेरे भी बच्चे शरारते करते हैं। ऐसी शरारते तो नहीं करते होंगे। अब देख लो सुबह का निकला हुआ है, ना रोटी ना पानी, आ जाने दो इसे। अम्मा मैं आ गया। आ गया है तू? तुम लोग यहाँ भी आ गए? चले जाओ यहाँ से, सबका एक एक बाजार बंद कर दूंगा एक ही तीर से। तुझे आए किसी की आई, तूने तो मेरा कलेजा पका दिया है, आज मैं तुझे हलाल कर दूंगी। ठहर। खबरदार जो मेरे नजदीक खड़ा आया तीर चलाने वाला। ठहर। मामू हाथ नीच कहीं की। इसे क्यों मारा? ले मार मुझे। अब तुम्हें क्या मारूं? देख क्या रही हो, जाओ जाओ यहाँ से। मैं मारूंगी इसे, खून पी लूंगी इसका। फिर कभी इसने हमारे घड़े तोड़े तो हम इसका सर तोड़ देंगे। हाँ हाँ सर फोड़ देना इसका, जान से मार देना इसे, बस जाओ। चलो यहाँ। हाँ ठीक है। माँ तूने छत्ती को क्यों मारा?
मुझे मार लेती, मेरा खून पी लेती। मेरे बच्चों, तुम इसे कैसे मारोगे? तुम माँ हो, औलाद पर तुम्हारा हाथ नहीं उठ सकता। क्या करूं, सारे गांव वाले इसे तंग हैं, सारे इसकी शिकायत करते हैं, नाक में दम कर दिया है इसने। बहन, एक दिन वो आएगा जब सारे गांव वाले ये कहेंगे कि मिर्जा जैसा नेक लड़का हमने कोई नहीं देखा। मिर्जा पढ़ेगा, लिखेगा, जवान होगा, इज्जत हासिल करेगा। ये इज्जत हासिल करेगा? सारे गांव की सदा गालियां सुनेगा, ठोकरें खाएगा ठोकरें। लेकिन वह इस गांव में नहीं रहेगा, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, और जब ये जवान होकर वापिस आएगा तो तू कहेगी कि मेरा बेटा हीरा है, हीरा। सच कह रहे हो भाई, ले जाओ इसे, इंसान बना दो। हाँ बहन, देखना, जब ये तेरे पास वापस आएगा तो तू इसे देखकर खुशी से फूले न समाएगी। भाई जान, खुदा तुम्हारा भला करे। खुदा तुम्हारा भला करे। अगर मेरे जाने से तुम खुश होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। छोड़ो ये बातें, चलो मेरे साथ बेटा। अजी, किसका बेटा? हवा खाई है हवा। चल मेरे अजीज, चल मेरे लाडले। अच्छा मान लिया, पहले ये बताइए चलेंगे कैसे? पैदल। तो आप ही जाइए घोड़े पे। हाँ तो मिर्जा चलेगा। अच्छा भाईजान, फिर कब आओगी? जब मिर्जा का जी चाहेगा। रास्ते में खाने के लिए कुछ ले जाओ भाईजान। खाने पीने के लिए कुछ नहीं चाहिए, जाओ मेरा तीर कमान ला। अच्छा बहन, और ये सुनो, अगर मिर्जा नहीं आएगा तो मिर्जा का तीर कमान जरूर आएगा। अच्छा अम्मा, सलाम। जीते रहो बेटा। चलो मामू। अल्लाह करे तेरे हाथ टूटे, मेरा कितना अच्छा घड़ा फोड़ दिया। कौन है तू हवाई गोले? मैं मिर्जा हूँ। तेरे मिर्जा की ऐसी तैसी, क्यों मारा है ये तीर? मैं हमेशा तीर मारता हूँ। बड़ा आया तीर मार खा। मैं पूछती हूँ, ये घड़ा तेरे बाप का था? मेरे बाप का नहीं तो मेरे मामू का तो था। ये ठीक तो कहता है, ये मेरा भांजा है, मैं ही इसे अपने साथ लाया। भांजे को क्यों ना साथ लाओगे? तुम्हारी बहन का बेटा है ना, और मैं जो कहा करती हूँ, मेरी बहन के बेटे फुमन का कुछ ख्याल करो, उसकी मदद करो, तो चौधरी साहब को कुछ ख्याल ही नहीं आता। अच्छा मामू जान, सलाम। क्या? हम जा रहे हैं। कहाँ? अपने घर, यहाँ हमारा गुजारा नहीं होगा। करो मेरी बदनामी, काटो मेरी नाक, अभी बहन के घर से लेके आया हूँ, अभी वापस जा रहा हूँ। और कह लो, कुछ और सुना लो, करो इस बच्चे के सामने चौधरी की बेइज्जती। मैं कहता हूँ वो चला जाएगा, मनाओ इसे। सुनती हो? हाँ सुनती हूँ। तो फिर मनाओ इसे। मिर्जा तो यहीं रहेगा मेरे पास। अच्छी तरह सोच लो पहले। अरे सोच लिया है, जा खेल ले। मामू जाओ। जा बेटे खेलो। आज मियां जी को चढ़ जाए बूढ़ा, तो बड़ा मजा आए, तो बड़ा मजा आए, तो बड़ा मजा आए। आज मियां जी को चढ़ जाए बूढ़ा, तो बड़ा मजा आए, तो बड़ा मजा आए, तो बड़ा मजा आए। सुनी जाए जो अपनी पुकार, सुनी जाए जो अपनी पुकार, तो बड़ा मजा आए, तो बड़ा मजा आए, तो बड़ा मजा आए। मैं तख्त पोश पर बैठूं, मैं तख्त पोश पर बैठूं, और सबको सबक पढ़ाऊं, और सबको सबक पढ़ाऊं। जो भूले कोई एक बार तो जूते चार लगाऊं, फिर कान पकड़ के उसका छोड़ के आऊं गांव के बाहर। कैसे? मियाँ जी को सचमुच बुखार चढ़ गया।
गालियां देती है, गला घूंट दूंगा, मैं दांत ना कट लूंगी तेरे, अपने दांत तो देख जरा। कौन है तू? मैं मिर्जा, मिर्जा की ऐसी तैसी गाली देता। तौबा, तौबा, नहीं तौबा, हट, हट। फिर कभी लड़ेगा इससे? नहीं, हाँ, नहीं, चल बात। तुम बड़े अच्छे हो, कौन हो तुम? मैं मिर्जा। मेरा नाम पूछोगे? मुझे क्या मुसीबत पड़ी है? अच्छा तुम मेरे लिए लड़े क्यों थे? वो तो मेरी आदत ही है। अच्छा तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, मैं लड़कियों से नहीं खेला करता। और किसके साथ खेला करती हूँ? अपने तीर कमान से। बड़ा आया तीर मार का। अब मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं लड़कियों के पीछे नहीं जाता, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो अलग होके जाओ ना। अलग होके कैसे जाऊँ, हम दोनों का रास्ता एक है। बड़ा जिद्दी है। नहीं मानोगे? तुम भी तो नहीं मानती हो। मैं? और क्या, मेरे साथ साथ क्यों आ रही हो? तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं तो अपने घर आया हूँ। बड़ा आया घर वाला, बुलाऊं अपने अब्बा को? बुलाओ। अब्बा। मामू। क्यों, क्या है साहिबा? भाईजान ये मुझे छेड़ता है। छेड़ता है? अच्छा ठीक करता हूँ इसे। क्यों बे, क्यों छेड़ता है इसे? अब्बा, अब्बा, अब्बा। अरे ये क्या कर रहे हो? भाई भाई आपस में लड़ रहे हो? भाई भाई। हाँ बेटा, यही तो मिर्जा है। होगा, मुझे इससे क्या। लड़ो या झगड़ो, तुम्हें यहाँ इकट्ठे रहना है, इकट्ठे खेलना है। तुम पढ़ रहे हो या मेरा मुंह देख रहे हो? जो चाहे समझ लो। तुम कायदे क्यों नहीं देखते? कायदे में क्या रखा है? अलिफ बे तो उसी में लिखा है। तुम्हारे चेहरे पर भी तो लिखा है। मेरे चेहरे पर? हाँ, तुम्हारी नाक अलिफ, आंखें बे, माथा थोड़ी मिलाकर जीम। उठ यहाँ से। क्यों? ये मेरी जगह है। अच्छा, साहिबा के पास तू बैठना चाहता है और मुझे उठाता है? ठहर, तेरी खबर लेता हूँ। मियाँ जी, मियाँ जी। अरे मियाँ जी की कौन परवाह करता है? मियाँ जी, मियाँ जी। अरे क्या है, ये मकतब है या खड़ा? मियाँ जी, ये मिर्जा मेरी जगह पे बैठना चाहता है। जी हाँ। अच्छा तो आप हैं मिर्जा साहब, चौधरी तुम्हारी ही तारीफ कर रहा था। खूब जी। जी का बच्चा, चल बैठ पीछे। देखिए आप भी फूमन का साथ दे रहे हैं, बुरी बात है। बुरी बात है, जाता है लगाऊ एक थप्पड़, तीर मार दूंगा। अबे चल तीर अंदाज के बच्चे, पीछे हट, बैठ। बैठता हूँ। बैठो तुम भी। लेकिन मियाँ जी, साहिबा तो यहाँ से दिखाई नहीं देती। दिखाऊं तुझे साहिबा? कमबख्त पढ़ने आया या साहिबा को देखने? चुप रहो कमबख्तो। अब मेरे सवालों का जवाब दो। साहिबा सुन, अगर तेरी माँ के पास 10 रुपए हो और उसमें से तेरा बाप 5 रुपए ले जाए तो बाकी क्या बचा? लड़ाई। हैं? लड़ाई? क्या कहती है? ठीक कहती है, इसकी माँ तो सुलह सफाई से एक पैसा भी नहीं देती। चुप रह। हाँ फुम्मन, अगर तुम्हारा बाप 1 पैसे का आटा, 2 पैसे की शक्कर और 3 पैसे का घी लाए तो कुल जमा क्या बना?
मियाँ जी हलवा आपके लिए भी लाऊंगा। अरे तो फिर यहाँ आ गया? यही हंसते हंसते आ गया। हैं, ठीक है। फुम्मन, जरा मिर्जा को इनाम दो। अच्छा मियाँ जी। उठ, कान पकड़। अरे जाने दे, क्यों मजाक करता है? कान पकड़, मियाँ जी ने कहा है। पहले मियाँ जी कान पकड़ के बता दे। नालायक। फुम्मन, बताए से कान पकड़ के? पकड़ कान। ऐसे नहीं, झुक। आज तो बेटा तुम मकतब गए थे, तुम्हारा तो दिल लग गया होगा। मकतब का ही तो झगड़ा है। आज मियाँ जी ने मुझे मारा, मेरे कान पकड़ा दिए और ऐसी जगह बिठाता है जहाँ से साहिबा दिखाई नहीं देती। मकतब में पढ़ने जाते या साहिबा को देखने? हाँ शमीर बेवकूफ, जाए दस। लड़ते झगड़ते नहीं है, बैठो। बेटा मैंने तुम्हारी माँ से वायदा किया है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। लो सबक याद करो। साहिबा, पाँच और पाँच मिलाकर दस होते हैं। मिर्जा जी। मियाँ जी। तू कहाँ बैठा है? साहिबा के पास। देखो मियाँ जी, मिर्जा आपके सामने बोलता है और मेरी जगह भी नहीं छोड़ता। अच्छा तो इसे इनाम देना चाहिए। मिर्जा मैंने तेरे लिए बड़ी अच्छी जगह ढूंढी है, आ इधर, उठा बस्तर। यहां क्या खड़ा हो गया? चल इधर आ, चल बैठ उधर बैठ। लेकिन मियाँ जी यहाँ से तो साहिबा बिल्कुल दिखाई नहीं देती। दिखाई नहीं देती? अब दिखाई देती है? नहीं। चुप बैठो। हाँ रहमो, तुम बताओ तो पंजाब में कितने दरिया हैं? किसी मछलियाँ पकड़ने वाले से पूछ के बताऊंगा। बेवकूफ, सारे मकतब में नालायक भरे हुए हैं। बैठ तुम बस। मियाँ जी। मियाँ जी का बच्चा। हाँ साहबा बताओ तो पंजाब का दारुल खिलाफा कौन सा है? आपको कुछ नहीं आता मियाँ जी? सब कुछ हमसे पूछ रहे हैं। कभी को पढ़ना पड़ गया है। अबे तू क्यों खड़ा है? अल्लाह करे ये मर ही जाए मियाँ जी, मुझे बड़ा जहर लगता है। क्यों? तुम्हें मारता जो रहता है और फुम्मन को कुछ नहीं कहता। फुम्मन की मैं जो खबर ले लेता हूँ, मगर ये मियाँ जी तो खराब है ना, हर वक्त आंखें निकालता रहता है। अभी दो आंखें होती तो पता नहीं क्या करता। करता क्या, दो डंडे और मार लेता। अच्छा ये बात है, छुप छुप के मियाँ जी को गालियाँ दे रहे हो। ठहरो कहता हूँ मियाँ जी को जाके। फुम्मन तो यहाँ भी आ गया, खबरदार जो भागा तो तीर मार दूंगा। कान पकड़, पकड़ कान, नहीं तो तीर आया। खुदा की कसम जुल्म हो रहा है। अब्बा जान कहा करते थे खुदा ने कान सुनने के लिए दिए हैं, लेकिन मालूम हुआ सुनने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए दिए हैं। खैर साहिबा मैं उतारता हूँ, तुम गिर जाओगे। ऐसे 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 की ऐसे तैसी, हाय हाथों में हाथ डाल दिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। मेरे सामने साहिबा से मोहब्बत हो रही है और मैं कान पकड़ के देख रहा हूँ। अरे कोई है, इंतहारे जुल्म हो रहा है, गजब हो रहा है, हमारे दिल पर छुरियां चलाई जा रही हैं। ये शोर मचा रहा है, इसे जाने दो, कोई आ जाएगा। जाओ फुम्मन, साहिबा के सदके में तुम्हें छोड़ दिया, जाओ। अच्छा जी, साहिबा के सदके, मैं ये मोहब्बत के खेल बंद करा के ही दम लूंगा। हाँ तुमने उसके सामने मेरा हाथ पकड़ लिया, वो सब लोगों से जाकर कह देगा, हमें बदनाम करेगा। ये तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया, जैसे बचपन में खेलते थे वैसे अब भी खेलते। वो बचपन था, ये जवानी है। बचपन में जो खेल होता है
जवानी में वो आग बन जाता है। ये तो मैं नहीं जानता साहिबा। हाँ ये जानता हूँ कि आज जब मैंने तुम्हारा हाथ छुआ तो सारे बदन में एक लहर सी दौड़ उठी। बचपन में जब तुम मेरा हाथ पकड़ते थे तो ऐसा कभी ना होता था। साहिबा तू जानती है इस लहर को क्या कहते हैं? इसे दिल जानता है और दिल की जबान नहीं, कैसे बताए मिर्जा। एक तरफ तो दिल खुशी से नाच रहा है और दूसरी तरफ कलेजा डर से धक धक करता है। डर किसका? अगर किसी ने देख लिया, गांव में बात फैल गई, घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा? क्या होगा इसकी मुझे परवाह नहीं। साहिबा ये वादा करो कि ये हाथ इन हाथों से कभी जुदा नहीं होंगे। दुनिया हमें कुछ नहीं कह सकती, हम तो बचपन से इसी तरह हाथों में हाथ डालकर खेलते आ रहे। जालिम दुनिया बचपन के खेल देख सकती है मिर्जा, जवानी के नहीं। साहिबा हमें दुनिया से क्या, हमारी अपनी दुनिया है। देखो कुदरत भी हमारी मुलाकात पर खुशी मना रही है। वो देखो साहिबा, पंछियों का जोड़ा खुशी से चहचहा रहा है, हम भी इनकी तरह कभी घर बसाएंगे, प्यार के तिनके चुनकर और इसे सजाएंगे खुशी के फूलों से। मिर्जा क्यों? एक पंछी उड़ गया, देखो दूसरा बेचारा अकेला रह गया। फिर क्या हुआ, मोहब्बत में कभी जुदाई भी होती है और कभी मुलाकात भी। क्या सोच रही हो साहिबा? मुझे डर है दुनिया हमें एक दूसरे से जुदा न कर दे, इस पंछी की तरह साहिबा भी अकेली न रह जाए। साहिबा जब तक मिर्जा के दिल में तेरी मोहब्बत है और हाथ में तीर कमान है, दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। मुझे यकीन है, मगर मिर्जा दुनिया को भी अपनी बहादुरी दिखाओ। आज मेला है, हम सब जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। नहीं, वहाँ दुनिया का मेला होगा, यहाँ दो दिलों का मेला है, दिल से दिल खेल रहे। आज मेले में मेरा बेटा ही दिखाई देगा। अरे शमीर थोड़ी कालक लगाने दे, किसी की नजर नहीं लगेगी। अच्छा हाँ। सबसे पहले तो तुम्हारी ही नजर लगेगी। अरे मैं माँ हूँ, कोई डायन तो नहीं, तुम मेरे काम में मत बोला करो। साहिबा अम्मा देखो मैंने कपड़े बदल लिए। अच्छा किया बेटी, थोड़ी कालक तो ला। ए समीर कौन फुमन, आ जा यार, एक बात करनी है, इधर आ। भैया देखिए मेरा दुपट्टा कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ हा। भैया सुनिए, ये देखिए ये रेशम का है और रेशम बलक बुखारे से आता है। आता होगा। हाँ अम्मा अम्मा और देखिए आप कालक ही लगाना भूल। अरे वो तो भूल ही गई। हाँ, चल बेटा तुम कालक लगा। खबरदार जी शमीर को कुछ बताया वरना मिर्जा से ऐसा पिटवाऊंगी कि याद करोगे। कुछ नहीं कहूंगा। अरे अम्मा कहीं सारा मुंह निकाला कर देना। अरे नहीं रे बेटा। बस हाँ अच्छा तो मैं आप जाता हूँ। उमन क्यों, क्या बात? कुछ नहीं मैं ये पूछने आया था कि मेले चलते हो ना? जरूर चलेंगे, क्यों नहीं। अच्छा तो मैं अब आता हूँ। अभी आता हूँ। पागल कहीं का। छोड़ दो आप मारेंगे भाग जाएंगे। मारेंगे भाग नहीं जाना। नहीं छोड़ दो ये बड़ा होशियार है। हम भी होशियार। ये जोर वाला है। हम भी जोर वाला। मजबूत है। हम भी मजबूत। ये बड़ा हरामी है। तुम मैं वो।
देखा मीरा कैसा हमारा मिर्जा ने छक्का नहीं धक्का तीन दाने दे दे फूंक दे आ गया
ये 12 मर गई तुम्हारी। मरने दो सुसरी को, मेरे किस काम की। अम्मा तेरे काम की नहीं, हमारे काम की तो है। क्यों उस्ताद, अब गोटों ही से दिल बहलाओगे? क्या बकवास करते हो, एक छोर दो दो मरती है मुझ पर। ये मुंह और शबरात कालवा शीशा देखा है सुन? क्यों दो दो मरती है? अम्मा जो जिस पे मरता है वो उसको बगल में लेके फिरता है। बगल में लेके फिरता है? हाँ हाँ। क्या मतलब? जैसे जानते ही नहीं। साहिबा का कुछ पता है? साहिबा? हाँ हाँ, जो सिर्फ मिर्जा के साथ छुप छुप कर जंगल में मिलती है। छुप छुप कर जंगल में मिलती है? मोजो अगर ये झूठ निकला तो मैं तुम्हारा नाक काट लूंगा। बेशक, चलो चलो दिखाओ मुझे, अभी दिखाता हूँ। चल समीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्यों? अपनी नाक कट गई। क्या बात है बतावे ना बाबा, समीर मार डालेगा मुझे। मौजू बताऊंगा बाबा। मौजू 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 है अमन, आखिर बात क्या बताते क्यों नहीं? क्या बताऊं समीर, हैं क्या कहते हो? चल के देख लो। आओ चौधरी तुम भी आओ। आओ हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए, हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए। दिल तो कहता है कि आंखों में छुपा लूं तुझको, दिल तो कहता है कि आंखों में छुपा लूं तुझको, डर यही है कि मुकद्दर को न हारा जाए, डर यही है कि मुकद्दर को न हारा जाए। हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए, दिल के जख्मों पे मेरे प्यार का मरहम रख दो, दिल के जख्मों पे मेरे प्यार का मरहम रख दो, बेकरारी तो मिटे कुछ तो करार आ जाए, बेकरारी तो मिटे कुछ तो करार आ जाए, हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए। यूं खुदा के लिए छीनो ना मेरे होश हवास, यूं खुदा के लिए छीनो ना मेरे होश हवास, ऐसी नजरों से न देखो के खुमार आ जाए, ऐसी नजरों से न देखो के खुमार आ जाए। हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए, छोड़ के तुम भी चली जाओगी किस्मत की तरह, छोड़ के तुम भी चली जाओगी किस्मत की तरह, बाद जाने के अजल ही को न प्यारा जाए, बाद जाने के अजल ही को न प्यारा जाए, हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन बहार आ जाए। नहीं
मिर्जा। शमीर। भाई। मुझे भाई कहकर भाई के लफ्ज को बदनाम न कर, मुझे बहन कहती शर्म आती है। भरे मेले में एक शरीफ खानदान की इज्जत एक आवारा के कदमों पर रखती। आवारा? सच्ची मोहब्बत आवारा नहीं हो सकती। तो जलील है, गुनहगार है। लेकिन मोहब्बत गुनाह नहीं है। कमीना, बेहया। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ इसलिए कि कोई मुझे प्यारा है और तुम उसे प्यारे हो। तुम्हारी कड़वी बातें मीठी हैं, तुम्हारी गालियां फूल हैं। बुजदिल हो तुम, बुजदिल, भभक शेर की दिलगीदर का। हाँ, बुजदिल कौन है? मेले के लोग अभी देख चुके हैं। बड़े बहादुर हो, सहलोगे बात? बहादुर कौन है? मेले के लोग अभी देख चुके हैं। तीर कमान देखूं तेरा, तीर कमान। तीर कमान का नाम न लो, तीर चिल्ले पे चढ़ गया तो फिर उतरेगा नहीं। मिर्जा, मिर्जा, मिर्जा। फिर लिया मिर्जा का नाम, हट जा एक तरफ। आग में हाथ डाल रहे हो, मैं गुस्सा पी रहा हूँ, तुम इसे जगा रहे हो। किसी के लिए मैं तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहता। तुझ में ताकत ही कहाँ है, इसीलिए दूर खड़े हो। खबरदार शमीर, अब आगे कदम न बढ़ाना। अगर तुझ में ताकत है तो मेरा वार रोक के दिखा। ताकत? जो फौलादी हाथ लाठी को तोड़ सकते हैं वो तेरी हड्डियों को भी चकनाचूर कर सकते हैं। साहिबा की मोहब्बत की कसम, अगर मैंने तेरे बाप का नमक न खाया होता, साहिबा की मोहब्बत मेरे दिल में न होती, तो एक ही तीर से तेरे सीने को छलनी बना देता। मैं देखता हूँ किसका सीना छलनी होता है। समीर, भलाई इसी में है कि यहाँ से चुपचाप चले चलो। बोलोगे तो बदनामी, चुपचाप रहोगे तो बदनामी। आओ अपनी इज्जत बचा लो, आओ, आओ। मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर अब तुमने घर में कभी कदम रखा और साहिबा से बातचीत करते मैंने देख लिया तो मैं तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। चलो। अरे बहन, सुना तुमने कुछ? क्या? वो साहिबा और मिर्जा की बात। वो तो सब गांव को पता है, आज पकड़ी भी तो गई है। उन दोनों को शमीर ने देख लिया। तोबा तोबा, ऐसी लड़कियों से तो खुदा बचाए। बड़े शर्म की बात है, आज चौधरी की बेटी साहिबा के करतूत देखे। हाँ, उल्टा जमाना आ गया है बेटा। अब क्या होगा? होगा क्या, ये तो उसके माँ बाप ही जाने। अरे कहो ना, क्या बात है, घबराते क्यों हो? लो भाई, पूछती है कि घबराते क्यों। घबराना तो आपको चाहिए जिनकी इज्जत लूट रही है। इज्जत? ये क्या कहता है? मैं क्या, सारी दुनिया कह रही है। मेले में मिर्जा और साहिबा ने वो रंग दिखाए कि क्या कहूँ। मासी मुझसे तो गली में चला नहीं जाता। इधर से कोई कह रहा है मिर्जा ने इज्जत लूट ली खानदान की, उधर से कोई कह रहा है साहिबा ने नाक काट ली अपने घराने की। वहां से आवाज आ रही है कि इस बेगैरत मिर्जा को घर में क्यों रखा। उधर से कोई कह रहा है कि आस्तीन में सांप पाला था, दूध भी पिया और काट भी खाया। मासी, इस मिर्जा ने तुम्हें कहीं का न रखा, जरा घर से बाहर पाँव रख के देख लोग क्या कहते हैं। कहां वो मिर्जा और कहां तुम्हारी साहिबा है। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, छछूंदर के सर में मासी चंबेली का तेल। ये मुझे पहले ही मालूम था कि वो जलील कमीना एक दिन जरूर रंग दिखाएगा। उसके टुकड़े टुकड़े ना कर दिए तो कहना, साहिबा के हाथ पांव ना तोड़ दिए तो कहना। तू देखते रहना आज मिर्जा का क्या हाल होता है। मासी, उसका हाल हो न हो हमें क्या, हम तो देखते ही रह गए। आपके सामने हाथ जोड़े, खुशामद की, पांव परे के साहिबा का हाथ दे दो। लेकिन कहां साहब, खैर हमें क्या, घाटा तुम्हें, नुकसान तुम्हारा। ऐसा दामाद किसी को आज तक न मिला न मिलेगा। पहले इस कमीने को घर से निकाल लूं, कांटा निकल जाए, फिर तुमसे प्यारा कौन है। हम तो प्यारे हैं, लेकिन कांटा ही नहीं निकलता। रोना कांटे का है, अपना नहीं। मासी, कौवे मजे करे, हंस आंसू बहाए। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, छछूंदर के सर में चंबेली का तेल। मासी, अच्छा अब मैं जाता हूँ, फिर आऊंगा। अच्छा। हाँ, जब फिर आऊं तो उस जलील
मिर्जा की सूरत नजर ना आए तब कहूंगा कि सचमुच तुम मेरी मासी हो। और साहबा से कहना कुछ नहीं मासी, फिर सही हा? तूने मुंह क्यों फेर लिया? मुझे माँ ना कहो, मेरी औलाद इतनी जलील नहीं हो सकती, मेरी लड़की इतनी बेहया नहीं हो सकती। इस जवानी से तुझे मौत आ जाती तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता, तुझे देखने की बजाय तेरी कब्र देखती तो मुझे चैन आ जाता। माँ, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, अगर तूने भी नजरें फेर ली तो मैं जिंदगी नहीं मौत मांगूंगी। जब तू पैदा हुई थी मैंने उसी वक्त तेरा गला घोंट दिया होता तो आज मेरी इज्जत यूं गली कूचों में बर्बाद ना होती। मेरा गला घोंट दे माँ, ताकि मैं खुदा के दरबार में अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े दिखाकर पूछूं कि ओ दुनिया बनाने वाले, तूने दुनिया में जवानी क्यों बनाई थी, और अगर जवानी बनाई थी तो मोहब्बत क्यों दी थी। माँ तेरा एहसान होगा, माँ घोंट दे मेरा गला, घोंट दे माँ। मेरे कलेजे में ठंडक उस वक्त पड़ेगी जब उस जलील मिर्जा की लाश देखूंगी। माँ तू मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे लेकिन उसे कुछ ना कह, उसे पहले ही शबीर ने बहुत मारा है, वो न जाने साहिबा साहिबा कहता हुआ चला गया होगा। साहिबा मिर्जा, मैं तुमसे मिले बगैर कहीं नहीं जा सकता। जलील आवारा, अब तू इसे नहीं मिल सकता। चुप रहो, चल इधर। साहिबा को देखेगा? हाँ, दिखा दे। अच्छा ठहर, दिखाती हूँ तुझे साहिबा। मिर्जा, मिर्जा, मिर्जा। कमी ना कहीं कहीं। सुनी कुत्ते। मिर्जा, मिर्जा। साहिबा, अगर तेरे रास्ते पर चलते हुए मौत भी आ जाए तो परवाह नहीं। मानू ले और मार, निकाल ले अपने दिल के अरमान। खून? क्या मारा इसे? फोड़ डाला सर मेरे भांजे का, जलील औरत, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया क्या कहेगी? जा देख, तेरी इज्जत, तेरी शान, तेरी ये पगड़ी, तेरी आबरू गलियों में लोगों की ठोकरों का निशाना बनी हुई है। तेरी बेशर्म लड़की इस कमीने के साथ भाग रही थी, जा शर्म से डूब मार कहीं जाकर। मिर्जा क्यों बे, तू फिर क्या आया? शमीर अब्बा, तुम मेरे बीच में मत बोलो। ये क्या कर रहे हो शमीर? हाय मैं मर गई। मिर्जा तेरा ये हाल, मेरा बच्चा। बच्चे की हालत तो देख ली मगर उसके करतूत नहीं देखे। हट जा फूफी। कैसे हट जाऊं? तुम्हारा दिल तो पत्थर का है, मेरा नहीं। तुम इंसान नहीं हो, कसाई हो। तुम सब ने मिलकर इसका खून पिया है। मौसी, मिर्जे का खून किसी ने पिया नहीं, मैंने खुद पिलाया है मौसी। लेकिन मैं अपनी बहन के जिगर के टुकड़े, कलेजे की ठंडक को खून में नहाया हुआ नहीं देख सकती। बहन तेरे पहलू में दिल नहीं। चौधरी तू गांव का इंसाफ करता है, इस वक्त खून में डूबा हुआ तेरा भांजा तेरे सामने खड़ा है लेकिन तू उसे इंसाफ नहीं देता। मौसी, मौसी, मुझे बर्बाद हो जाने दे, मुझे बर्बाद हो जाने दे मौसी, मुझको लहू बहा लेने दे। लहू पीकर मोहब्बत जवान होती है, ठोकरे खाकर इस फलता फूलता है। चौधरी मुनसफ है, मैं इसे इंसाफ मांगूंगा। मामू, दुनिया मुझे नहीं जानती, तू तो मुझे जानता है। माँ का आंचल छोड़ने के बाद मैंने तेरा दामन पकड़ा था मामू, अगर तू भी मुझे गुनाहगार समझता है तो ले, तेरे कदमों पर मेरा सर पड़ा है मामू। मेरा ही तीर कमान उठा और छीन ले मेरी जिंदगी। अब्बा, देखते क्या हो, तीर चला क्यों नहीं देते? उठो, इससे पेशतर के मैं कुछ कहूं, ये लो अपना तीर कमान और यहां से चले जाओ।
समीर ने सर फोड़ दिया, मैंने परवाह न की, अम्मा ने खून की नदी बहा दी, मैंने उस तक न की, तूने फूल मारा, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, मैं जाता हूं, खुदा हाफिज साहिबा। मिर्जा। साहिबा, तीर कमान से जुदा हो गए। मिर्जा, मुझे छोड़ के ना जाओ मिर्जा। साहिबा, जिंदगी में हम जुदा हो सकते हैं लेकिन मरेंगे इकट्ठे ही, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। आंसू न बहा साहिबा, किस्मत को यही मंजूर था। साहिबा, जाता या नहीं कमीने? ये देख, ग्यारह, ग्यारह नहीं दो बच्चों, ग्यारह तो ग्यारह बरस में नहीं आने की। ये देख, आंख खोल के देखना। अरे ये तो सचमुच आ गई। हाँ, आएगी नहीं तो क्या मियाँ, 25 बरस से 25 ही खेल रहा हूँ। अच्छा जी, ये देख, ले उठा के दे हाथ में, तुम ही रख लो। लो, क्या उस्ताद पैदा होते ही खेलने लग गए थे? तुम क्या समझोगे, ये देख, 11 मर गई तेरी और घर भी बंद। तो फिर हुआ क्या, अभी एक हाथ में छुड़ा लूंगा। अब छुड़ाना बहुत मुश्किल है, और फिर ये तो रंग की चोट है, रंग की। हाँ, उस्ताद गांव में तो जवाब ही नहीं है। गांव में तो क्या, सारे पंजाब में नहीं, अभी तक उस्ताद के हाथ नहीं देखे। हाथ क्या, मेरा हाथ? मिर्जा से पूछो। अच्छा, उस दिन एक हाथ दिया, उंगलियों का निशान पड़ गया, सारी उम्र याद रखेगा। सचमुच उस्ताद? अरे सारे गांव को पता है, तू पूछता सचमुच? जब भी तो मिर्जा दिखाई नहीं देता। अम्मा दिखाई कैसे देगा, मर्दों के सामने आ सकता है भला? बड़ा तीर कमान लेके फिरता था हमारे सामने। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, चचूदर के सर में चमेली का तेल। मगर उस्ताद, मिर्जा गया कहाँ? अम्मा हटाओ भी, होगा यही कहीं ठोकरे खाता हुआ। खाएगी ठोकरे ये जवानी कहाँ कहाँ, खाएगी ठोकरे ये जवानी कहाँ कहाँ, बदनाम होगी मेरी कहानी कहाँ कहाँ, बदनाम होगी मेरी कहानी कहाँ कहाँ। ओ रोने वाले अब तेरा दामन भी फट गया, ओ रोने वाले अब तेरा दामन भी फट गया। पहुँचेगी आंसुओं की रवानी कहाँ कहाँ, पहुँचेगी आंसुओं की रवानी कहाँ कहाँ, खाएगी ठोकरे ये जवानी कहाँ कहाँ। जिस बाग पर निगाह पड़ी वो उजड़ गया, जिस बाग पर निगाह पड़ी वो उजड़ गया। बरसाम अपनी आँख का पानी कहाँ कहाँ, बरसाम अपनी आँख का पानी कहाँ कहाँ, खाएगी ठोकरे ये जवानी कहाँ कहाँ। पर
आँख में आँसू जिगर में दाग फरियाद लब पे आँख में आँसू जिगर में दाग हमने छिपाई तेरी निशानी कहाँ कहाँ हमने छिपाई तेरी निशानी कहाँ कहाँ खाएगी ठोकरे ये जवानी कहाँ कहाँ बदनाम होगी मेरी कहानी कहाँ कहाँ तो सब कुछ हुआ दोनों मेले में गए कुछ बातचीत हो गई ठहरी जवानी लोगों ने देखा चर्चा हुआ बदनामी हुई शमीर गुस्से की आग में भड़क उठा मार मार कर बेचारे मिर्जे की पसलियां तोड़ दी तो ये सब कुछ साहिबा की वजह से हुआ मेरे भोले भाले भाई को बातों में फंसा कर घायल करवाया उसे आग ना लग गई उसकी जवानी को मौत ना आ गई उस डायन को चौधरी तूने तो कहा था तेरे बेटे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा इंसान बनाऊंगा अच्छा किया बहुत अच्छा किया भाई बहन तू उस बदनसीब को साथ क्यों ना ले आई मिर्जा किसी की नहीं सुनता दिन रात साहबा साहबा की रट लगाता है मैंने कहा घर चलो तो कहने लगा साहबा के घर ले चलो मासी मेरे भाई से कहना तेरी घोड़ी नीली तुझे याद करती है और तेरी बहन बहुत बीमार है मौत के दरवाजे पे खड़ी है आखिरी बार आकर उसे मिल ले उसके जिनाजे को कंधा दे जा फिर चले जाना वो जरूर आएगा मासी वो जरूर आएगा वो साहबा को भुला देगा से दूर हो हुई नींद आँखों से दूर मेरे साथ गम की चोट से हुआ दिल का शीशा चूर साथिया बेलिया साजना मुझे शिकवा है तकदीर से नहीं तुमसे कोई गिला है नहीं तुमसे कोई गिला मुझे लाक रियूं परदेश में मेरा सब कुछ छीन लिया है मेरा सब कुछ छीन लिया साथिया बेलिया सजना मत गए बुझा है मेरे
किस्मत गए बुझार साथिया बेलिया साजना पाए मुझे धोखा दिया नसीब ने नहीं मेरा कोई कसूर मुझे धोखा दिया नसीब ने नहीं मेरा कोई कसूर साथिया बेलिया साजना खाना जैसे जहर बन गया है मुझसे नहीं खाया जाता साहिबा भूखी है वो बदनसीब मिर्जा भी भूखा होगा अब्बा फिर तुमने उस मनहूस का नाम लिया मरने दो भूखा उसे निकलने दो जनाजा कल का मरता आज मर जाए मिर्जा को मरने की दुआएं फिर देना पहले अपनी बेटी की जिंदगी तो बचा जो रो रो कर पागल हो रही है उन दोनों की शादी हो जाती तो क्या कयामत आ जाती शादी और मिर्जा से अब्बा अगर तुमने फिर कभी ये बात छेड़ी तो मैं एक लम्हा भी इस घर में नहीं रहूंगा मैं उस जलील का सर कुचल देना चाहता हूँ और तुम उसके सर पर शादी का सेहरा बांधना चाहते हो पहनाओ सेहरा जरूर पहनाओ सेहरा उसे कर दो शादी इनकी बदनामी में जो कमी रह गई है उसे भी पूरा कर लो मिर्जा घर से दफा हो गया दिल से ना गया फुमन का जिक्र करो तो आग लग जाती है मिर्जा में क्या है जो फुमन में नहीं मैं साहिबा की शादी करूंगी फुमन से वो शरीफ है अच्छा खानदान है खाता पीता है मिर्जा की तरह भूखा नंगा नहीं तुम बैठे रहो उस कमबख्त की याद में मैंने तो घर की इज्जत बचानी है हाँ इज्जत तुझे बहुत कीमत देनी होगी इसकी तेरी आंखें उस दिन खुलेंगी जिस दिन एक तरफ मिर्जा की लाश पड़ी होगी दूसरी तरफ तेरी बेटी की तेरे सीने से ममता की चिंगारी बुझ चुकी तेरे पहलू में माँ का दिल नहीं पत्थर का टुकड़ा है मुझे जो कुछ कहना था कह चुका आज के बाद कुछ न कहूंगा बचा ले अपनी इज्जत कर ले खानदान का नाम रोशन धो डाल बदनामी के धब्बों को लेकिन इतना याद रखना कि एक दिन तेरे पास ये झूठी इज्जत रह जाएगी बेटी नहीं रहेगी साहिबा क्या हो गया है तुझे देख तो रो रो कर तेरी आंखें सूज गई हैं ये तो अब उम्र भर रोती रहेंगी ये आग आंसुओं से नहीं बुझेगी सब्र से काम लो सब्र कहां से लाऊं जवानी ने तुझे धोखा दिया है पगली नहीं नूरा मुझे मेरी किस्मत ने धोखा दिया है तूने फूलों के धोखे में अंगारे चुने हैं मगर मुझे तो सब फूल ही नजर आते हैं जब धुआं निकले बगैर सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा तब तुम्हें मालूम होगा काश मेरा सब कुछ जलकर खाक हो जाए और हवा मेरी खाक उड़ाकर मेरे मिर्जा के कदमों में डाल दे साहिबा मुझे डर है कहीं तू पागल ना हो जाए अच्छा हो मैं पागल हो जाऊं मुझे कोई रोकने वाला ना रहे मैं जोगन बनकर गली गली प्यार की भीख मांगती फिरूं साहिबा अपने बूढ़े बाप की इज्जत का ख्याल कर आज चारों तरफ से तुम पर उंगलियां उठ रही हैं पगली भूल जा मिर्जा को मिर्जा तेरी इज्जत का दुश्मन है तू भी नश्तर लेकर आई है मेरा पहला ही जख्म हरा नहीं हुआ जा चली जा यहां से जा रूठ गई हूं सहेली मैं तुझे बहन समझती थी मगर तू भी गैर निकली मैंने सोचा था तू मेरे जख्मों पे मरहम रखेगी मगर तूने नश्तर रख दिया मुझे माफ कर दो बहन मैंने तुम्हारे दिल पर चोट लगाई है तुम्हारी चोट किस्मत की चोट से भी ज्यादा है तुम भी जमाने की तरह दुश्मन हो गई नहीं साहिबा काश मैं तुम्हारे दुख अपनी झोली में डाल सकती तुम अगर चाहो तो ऐसा कर सकती हो मैं वो कैसे नूरा मेरी भीगी हुई आंखों में झांको और समझ जाओ ये किसके लिए बेकरार है मैं समझती हूँ नूरा खुदा के लिए मुझ पर रहम करो मिर्जे पर तरस खाओ मिर्जा गरीब परदेसी है यहाँ की हवा भी उसकी दुश्मन है जाओ
उसे जाकर तसल्ली दो। क्या कहूं उसे? कुछ नहीं, सिर्फ दो दिनों के मिलने का बंदोबस्त कर दो। कहने सुनने की बात ये खुद कह लेंगे। जाओ मेरी नूरा, जाओ। मिर्जा, मिर्जा। कौन? तेरी बदनसीब मासी, तेरे लिए पैगाम लाई हूँ। साहिबा का? तू बड़ी अच्छी है मौसी। साहिबा का नहीं, तेरी बहन का। बहन का नाम सुनकर भी तेरे दिल में घर का ख्याल नहीं आया। तेरा दिल पत्थर का हो गया है मिर्जा। मैं खुद नहीं जानता साहिबा ने मुझे क्या कर दिया है। साहिबा ने तेरा सब कुछ छीन लिया। तेरी बहन ने जब तुम दोनों की बातें सुनी तो साहिबा को हजार हजार गालियां दी। साहिबा को गालियां क्यों दी? मुझे क्यों ना दी? तुझे गालियां नहीं दी, तुझे बुलाया है। तेरी बहन सख्त बीमार है। उसने कहा है अगर आखिरी बार सूरत देखनी है तो चले आ। तेरी प्यारी घोड़ी नीली तुझे याद कर रही है। तेरी माँ दिन रात रोती। सुना तुमने? सुन रहा हूँ, लेकिन जा नहीं सकता। ना जाने कब साहिबा की तरफ से पैगाम आ जाए। नादान ना बन, साहिबा के लिए अपने आप को ना भूल जा। अगर मैं तेरी माँ के आंसू, तेरी बहन का तड़पता हुआ दिल अपने साथ ला सकती तू अपनी आंखों से देखता तेरी भूल ने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। मुझे सब समझाने आते लेकिन मेरी बात समझने वाला कोई नहीं। दर्द को दर्द कह देना आसान है लेकिन इसकी दवा देना आसान नहीं। मौसी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। चांद आ गया। हाँ, चुप। एक
अक्कड़ दुक्कड़ अम्बड़ा पौ 80 90 पूरा 100। चलो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो भाई। चलो सब छुप जाओ। साहिबा उस तरफ दरख्त के पीछे। मिर्जा। साहिबा नूरा बता साहिबा कहाँ है? साहिबा तुम जाओ। तुम तो यूं साहिबा साहिबा चिल्ला रहे हो जैसे कि सारे गांव में साहिबा ही तो है और कोई लड़की नहीं। जाओ ढूंढ लो अपनी साहिबा को। बेवफा कहीं के नूरा खफा हो गई। मुझे क्या मालूम था कि तेरे दिल में मेरे लिए जगह है। मैं मोटा आदमी हूं ना, मुझे जगह देने के लिए बहुत बड़े दिल की जरूरत है। नूरा नूरा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें अपने फुम्मन का साथ देना होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि साहिबा मिर्जा से छुप छुप के कब मिलती है और कहाँ मिलती है। मेरी मदद करोगी ना? हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। हाँ, लेकिन अब तुम जाओ। हाँ, कोई देख लेगा तो हमारी बदनामी होगी। अब जाओ। तुम बड़ी अच्छी हो नूरा, बड़ी अच्छी। इधर चले, उधर नहीं, इधर। ओह भूल गया, मोहब्बत की है, जहाँ कहोगी वहीं जाना पड़ेगा। हाँ हाँ इधर जाओ। मेरी मदद करोगी ना? हाँ हाँ मदद जरूर करूंगी, लेकिन जाओ। दाल में कुछ काला मालूम होता है, देखें चल के। मेरा हाथ छोड़ दो, नूरा आ रही है। नूरा नहीं तो हाथ मिलाए हैं साहिबा, इससे घबराती क्यों हो? अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ना होता तो इसे पकड़ता ही क्यों? साहिबा वायदा करो कि अब ये दोनों हाथ हमेशा मिले रहेंगे। साहिबा वायदा करो कि तुम हर रोज रात को मिलने आओगी। खामोशी ये कह रही है कि तुम मेरी बात मान गई। साहिबा अब मैं लंबे लंबे दिन इस उम्मीद पर गुजारा करूंगा कि मेरा चांद आने वाला। साहिबा अब हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। नूरा तू सचमुच हमारी जिंदगी का नूर बन गई, खुदा तुम्हें खुश रखे। चलो साहिबा अब चले, चांद छिपने वाला है। चलो नूरा, एक चांद नहीं दो चांद छिपने वाले हैं, एक आसमान पर एक जमीन पर, एक दुनिया वालों का और एक मिर्जे का। मिर्जा चलो साहिबा चले, चलो चलो भी। ओहो मैं भी क्या बेवकूफ हूं, मैं क्यों डरूं भला, मैं ये मुलाकातें बंद करा के छोड़ूंगा। हाँ शमीर अब जवान साहिबा का घर में रहना अच्छा नहीं, फुम्मन से इसके रिश्ते की बातचीत कर देनी चाहिए। तू फिक्र न कर अम्मा, मैं आज ही जिक्र करता हूँ। शमीर कौन? फुम्मन बड़ी उम्र है तेरी। बड़ी उम्र? शमीर मैं तो चाहता हूँ ये जिंदगी खत्म हो जाए तो अच्छा है। ले खुद भी मोटा और अकल भी मोटी। क्यों? अभी अम्मा साहिबा से तेरी शादी का जिक्र कर रही थी। अच्छा? और तुम हो कि जिंदगी से तंग आए हुए हो, अब डर किसका? मिर्जा जा चुका। मिर्जा जा चुका? लेकिन शमीर मिर्जा घर से चला गया, गांव से नहीं, साहिबा के दिल से नहीं। भाई साहब जब रात को तुम लोग लंबी तान के सोते हो ना, साहिबा छुप छुप के मिर्जा से मिलती है। हाँ ये कैसे हो सकता है? मिर्जा को ठोकरे मारकर मैंने घर से बाहर निकाल दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें मिलते हुए। अगर ऐसा है तो मैं मिर्जा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसके टुकड़े टुकड़े कर दोगे? क्यों भाई साहब, वो आता है साहिबा से मिलने तो मुझे साहिबा के खून से अपने हाथ रंगने पड़ेंगे। तो मिर्जा का क्या जाएगा, खून होगा तेरी बहन का। तो फिर मैं क्या करूं, इंतकाम की आग कैसे बुझाऊं? ये मैं बताता हूँ, रास्ता मैं दिखाता हूँ। सुन कुछ दिनों के लिए तुम साहिबा को घर में बंद कर रखो, न वो मिर्जा से मिलेगी न मोहब्बत की आग भड़केगी, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी, समझे?
वक्त गुजर जाएगा, वो मिर्जा को भूल जाएगी, मिर्जा मायूस होकर गांव से चला जाएगा, फिर शादी हो सकती। ठीक है, ऐसा ही करूंगा। ये बात से मिलने के लिए बच्चे घड़े का सहारा लेकर दरिया में कूद पड़ी थी, और तू है किस कोठे से छलांग नहीं लगा सकती। चल लगा छलांग, कोशिश करती हूँ। आज कैसी जाती है। तुम तो आ गए, लेकिन मेरा चांद कहाँ है? तुम्हारा चांद भी आ गया मिर्जा। साहिबा, नूरा कहाँ है? जी मैं यहाँ हूँ। साहिबा, इतनी देर कर दी, तुमने ये भी ना सोचा कि कोई सारा सारा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहता। तुम्हारी साहिबा मौत को धोखा देकर यहाँ आई है। भाईजान दरवाजे के सामने पहरा दे रहे थे, मैं कोठे से छलांग लगाकर यहाँ आई हूँ। साहिबा, तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया? तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। जब तक तुम्हारी सूरत न देख ली, मुझे चैन नहीं पड़ता। सूरत देखकर जाती हूँ, फिर भी बेकरार रहती हूँ। मिलने से पहले भी तड़पना, मिलने के बाद भी तड़पना। मिर्जा, क्या मोहब्बत का दूसरा नाम तड़प है? साहिबा, अगर एक लम्हे के लिए दो दिल मिल जाएं, तो सारी जिंदगी की तड़प तड़प नहीं रहती। हर रात थोड़ी सी देर के लिए तुम्हें देख लेता हूँ, और सारा दिन तुम्हारी याद में गुजार देता हूँ। अब तो ये भी मुश्किल मालूम होता है, मेरा दिल कहता है ये हमारी आखिरी मुलाकात है। ऐसा ना कहो साहिबा। हजूर, मुझे भी कोई हजूर कह सकता है? हद हो गई। अरे भाई, कौन है? अच्छा, अब हम कौन हो गए? मेरी नूरा, मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी मोहब्बत का नूर। जाइए जी, इसको मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा रहे हैं। अच्छा, तो लो हम जाते हैं। बस रूठ गए हजूर, इस पर मोहब्बत का दावा था। हजूर, अरे नूरा, एक बार फिर कहो, आज तक किसी भंगी ने भी मुझे हजूर नहीं कहा। नूरा, एक बार फिर कहो हजूर। जियो जियो, लाख बरस जियो। लेकिन ये तो बताओ नूरा, आधी रात यहाँ किसका इंतजार हो रहा है? अच्छा जी, जिनके लिए तड़प रहे हैं वही पूछते हैं कि तड़पते क्यों हैं। हाय, नशे आ गए। मुझे क्या मालूम था कि खुदा मोहब्बत देगा तो छत फार के देगा। नूरा, अब तो जहां जा रहा था वहां भी जाने को जी नहीं चाहता। नूरा, इधर देखो। कहां जा रहे थे हजूर? हजूर, फिर वही हजूर। हजूर साहबा की तलाश में जा रहे थे। फिर साहबा का जिक्र? मैंने कितनी बार कहा कि नूरा के सामने साहिबा का नाम ना लो। फिर नहीं लूंगा। साहिबा अगर सूरज है तो नूरा भी तो चांद है। ओहो, मेरे चांद। अच्छा, तुम्हें फिर मिलूंगा यहीं। दिल को तड़पा के कहां जा रहे हैं हजूर? हजूर, फिर वही हजूर। नूरा, जब तू मुझे हजूर कहती है तो मुझे कुछ कुछ होता है। बस आज तो मोहब्बत की कहानी खत्म करनी पड़ेगी। आँखों से आँखें मिलेंगी। आँखों से तो सभी देखते हैं। कहानी तब पूरी होती है जब आँखें बंद करके भी हर तरफ अपनी सजनी नजर आए। अच्छा जी, अगर सच्ची मोहब्बत है तो आँखें बंद करके देखिए, आपको हर तरफ नूरा दिखाई देती है या नहीं।
आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद? अच्छा की आ, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। नूरा, ओ नूरा, मुझे वाकई कुछ नहीं दिखाई देता। नूरा, साहिबा जल्दी चलो, हुमन आ गया है। हुमन? नहीं मिर्जा, चलो चलो चलो, उधर से नहीं इधर से। अच्छा जी, हजूर हजूर कहकर उल्लू बना गई। ओ, समीर तो कहता था दरवाजे पे पहरा दूंगा, खूब पट्टे ने पहरा दिया, लंबी तान के सोया होगा। अच्छा देख लूंगा तीनों का। ओ, ए समीर, समीर, ओ समीर, अरे कितना दिन चढ़ गया, मुझे चारा काटना है, रात भर सोया तक नहीं। हाँ भाई, रात भर पहरा जो देते रहे। अरे पहरा भी ऐसा दिया कि हवा तक बाहर न जा सके। हवा तो बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन साहबा जरूर चली गई। साहबा चली गई? हाँ? झूठ, बिल्कुल झूठ। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये नहीं हो सकता, मैं रात भर दरवाजा रोके बैठा रहा। हाँ भाई, तुम रात भर दरवाजा रोके बैठे रहे, लेकिन फिर भी वो चली गई। चली गई? हाँ, इस लड़की ने तो हमारी आबरू खाक में मिला दी। इसने नहीं, मिर्जा ने। अगर भाई साहब तुम्हें आबरू का ख्याल होता तो तुम अब तक मिर्जा को खाक में मिला देते। खाक में? हाँ। अच्छा, मैं उस जलील मिर्जा के टुकड़े टुकड़े करने जा रहा हूँ जिसने हमारे खानदान की इज्जत टूटी है। भैया बाहर जाने से पहले अपनी बहन के टुकड़े टुकड़े कर देना। अगर मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता है तब तक की कुल्हाड़ी तेरे खून से रंगी होती। भैया 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 सुनो, भैया। अमीर खैरो, बाप की जिंदगी में बेटे को बदला लेने का कोई हक नहीं। मिर्जा ने मेरी पगड़ी पर हाथ डाला, उससे बदला मैं लूंगा। अच्छा तो ये लो। ये कुल्हाड़ी से वो जख्मी हो सकता है, उसके दिल से मोहब्बत नहीं निकल सकती, उससे बदला लेना मैं जानता हूं। मिर्जा, कौन? मामू, मैं जानता था कि तुम मेरे आंसू पूछने जरूर आओगे। जो खुद रो रहा हो वो किसी के आंसू क्या पूछ सकता। मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, अपने खानदान की इज्जत, साहिबा की जिंदगी, एक बूढ़े की आबरू। मिर्जा तूने ये सब कुछ छीन लिया। मामू तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो ये समझता था कि तुमको मुझसे हमदर्दी है। सारी दुनिया मुझे ठुकरा सकती है लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। मैं जानता था कि तुम मुझको मेरी जिंदगी, मेरी खुशी देने के लिए जरूर आओगे। मैं तुझे जिंदगी और खुशी देने के लिए नहीं आया, मैं साहिबा की जिंदगी और उसकी खुशी मांगने के लिए आया। साहिबा की जिंदगी और खुशी मुझसे मिलने में है? नहीं, उसकी जिंदगी और खुशी तुमसे जुदा होने में। मामू अगर वो मुझसे जुदा हो गई तो तड़प तड़प कर मर जाएगी। मिर्जा अगर तुम उससे मिलते रहे तो उसे खुदकुशी करनी पड़ेगी। खुदकुशी? हाँ, सारे गांव में उसकी बदनामी हो चुकी, हमें गांव में रहना मुश्किल हो। तुम कहते हो कि तुमने साहिबा को बर्बाद नहीं किया, इस वक्त साहिबा के घर में तीन जिंदगियां तड़प रही हैं। उसकी माँ का खाना पीना हराम हो गया, उसका भाई जिसका दिन का चैन रात की नींद लुट गई, उसका बूढ़ा बाप जो गांव में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, वो उनको कब तक तड़पता देखेगी, कब तक जिंदा रहेगी। मिर्जा जिस दिन तुमने उससे मोहब्बत की पहली बात कही उसकी खुशी छीन ली, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मामू बेटा, बेटा मैं तुझे लाया था घर का चिराग बनाकर, क्या खबर थी कि मेरे घर का चिराग मेरे ही घर को फूंक दे। कुछ सोचो, कुछ समझने की कोशिश करो। मामू अपने आप को समझा लो, लेकिन मोहब्बत को कैसे समझाओ? ये मोहब्बत है? तुम इसे मोहब्बत कहते हो? जिससे मोहब्बत करते हो उसका घर फूंक रहे हो, उसकी जिंदगी छीन रहे हो,
तुम्हें उससे मोहब्बत होती तो तुम उसे बर्बाद न करते। मिर्जा, अब भी तुम साहिबा की जिंदगी बचा सकते। कैसे? यहां से चले जाओ। मामू, मामू ये नहीं हो सकता। मिर्जा, ये कैसे हो सकता? मामू, साहिबा से जुदा होकर मैं जिंदा न रहूंगा। कोई इंसान अपनी ही छुरी से अपना गला नहीं काट सकता, अपने ही हाथों से अपने दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। मामू, मामू ये जुल्म न करो, मुझे जाने पर मजबूर न करो। मामू, मिर्जा चौधरी ने आज तक ये पगड़ी किसी के कदमों पे नहीं रखी, आज तेरे कदमों पे रखा। एक दुखी बाप तेरे दरवाजे पे भीख मांगने आया, उसे खाली हाथ न जाने दे। अगर तुम साहिबा और उसके खानदान की जिंदगी चाहते हो तो यहां से चले जाओ। मेरे लिए नहीं तो खुदा के लिए नहीं तो साहिबा के लिए यहां से चले जाओ। मामू, साहिबा का वास्ता देकर तूने मुझे मजबूर कर दिया, मैं जाता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाने से अब कोई फायदा नहीं। अब्बा, तुम ऐसा ना कहो। अम्मा मेरी दुश्मन बन गई, भाईजान ने मेरी खुशियां छीन ली, मैंने परवाह न की। लेकिन अब्बा तुम जुर्म नहीं कर सकते, तुम्हारा दिल तो पत्थर का नहीं है। तुम जानते हो अब्बा मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तुम मुझे ना रोको अब्बा, जाने दो, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। नहीं, आज वहां कोई इंतजार नहीं करेगा। नहीं अब्बा, वो बेकरारी से मेरा रास्ता देख रहा होगा। अब्बा मुझे जाने दो अब्बा, वो मेरा रास्ता देखते देखते थक जाएगा। मैंने उसे इंतजार करते हुए देखा है, चांद चढ़ चुका। अब्बा मुझे जाने दो अब्बा। मैं जानता हूँ, जो कुछ मैं कहने लगा हूँ वो सुनकर तुम संभल ना सको, गम से तुम्हारा दिल फट जाएगा। लेकिन मैं सच कहता हूँ, जिससे तुम मिलने के लिए जा रही हो वो यहाँ नहीं, मिर्जा गांव छोड़कर जा चुका। अब्बा ऐसा न कहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिर्जा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मिर्जा मुझे मिले बगैर कभी गांव नहीं छोड़ सकता। तुम सच नहीं बोल रहे हो, तुम नहीं चाहते मैं मिर्जा से मिलूं, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुनिया बदल सकती है, माँ बेटी का साथ छोड़ सकती है, भाई बहन को धोखा दे सकता है, बाप अपनी बेटी की खुशी छीन सकता है, लेकिन मिर्जा, मिर्जा ऐसा नहीं कर सकता। मिर्जा मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकता। अब्बा मिर्जा मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकता। मिर्जा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मिर्जा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। छोड़कर चले गए। तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। तुम ही बताओ मेरा मिर्जा कहाँ गया। अब तुझसे क्या पूछूं? तू भी मेरी तरह जुदाई ही मारी हुई है मिर्जा। आज मेरा कोई हमदर्द नहीं, कोई साथी नहीं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। तू ही बता, तू मुझे क्यों छोड़कर चला गया? मुझसे क्या गुनाह हुआ?
मेरी क्या खता हुई? तू जानता है मैं तेरे लिए गली गली में बदनाम हुई, घर घर में रुसवा हुई। माँ बाप भाई सब मेरी जान के दुश्मन हो गए। एक तेरा सहारा था तू भी छोड़कर चला गया। मिर्जा तेरे वादे कहाँ गए, तेरे इकरार क्या हुए? एक बार आकर बता जा, क्या यही तेरी मोहब्बत थी, क्या यही तेरा प्यार था? तेरी शादी होने वाली है, ससुराल जाने के बाद हमें कहां याद करने लगे? बहन मुझे किसी बात की खुशी नहीं, मेरा दिल तो दिन रात अपने भाई को पुकारता है। खुदा जाने बेचारा कहां है, किस हाल में है। छत्ती तेरे गहने आ गए, आज तेरा भाई यहां होता तो कितना खुश होता। माँ ये गहने ले जा, अगर मेरी खुशी चाहती है तो एक बार मेरे भाई को मिला दे। या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र अदा करूंगी अगर एक बार मेरा भाई मुझे मिल जाए। नीली तुझे क्या हुआ? नीली कौन हो तुम? Thank you.
कौन? छत्ती। अब तो दूसरों को पहचानने में भी देर लगेगी। दूसरे कौन? छत्ती तुम्हारी बहन, भाईजान। छत्ती, क्या हाल हो गया है तेरा? चौधरी ने कहा था मैं मिर्जा को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इंसान बनाऊंगा। अच्छा लिखाया पढ़ाया है तुमने, बड़ा एहसान किया है मुझे दुखिया पर तुमने। शेर जैसे बेटे की आधी जान रहती है, तेरी बेटी ने सब कुछ छीन लिया मेरा। अब कहीं ना जाना बेटा, मैं तुझे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहती, मैं तुझे इंसान बनाना नहीं चाहती। घर से बाहर ना जाऊं माँ, लेकिन मैंने तो उससे वायदा किया है कि वो जब मुझे बुलाएगी सर पे बन जाऊंगा। कौन बुलाएगी? वो चुड़ैल, वो खून पी लेने वाली डाय? अब मैं तुम्हें कहीं ना जाने दूंगी, घर से बाहर पांव ना रखने दूंगी, और अगर कोई उसका पैगाम लेकर आया तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। साहिबा तू देख रही, ये मेरे हमदर्द फिर भी मुझे तुमसे जुदा करना चाहती। चल पगला कहीं का, मुझे इन कपड़ों की जरूरत नहीं। तुम जिसे शादी समझती हो मेरे लिए वो मातम है। अम्मा अगर मुझे कोई कपड़ा लाकर देना है तो कफन ला दो। इससे कहते हैं रंग में भंग। ए लड़की मुंह संभाल, खुशी के दिन ऐसी बातें, रोनी सूरत, क्या मातम है तुझे? कुछ सोच, कुछ समझ। अरे नूरा तू ही समझा इसे। अम्मा तुम जाओ, मैं भी सब कुछ समझा दूंगी। अरे कहीं उल्टा ना समझा देना। नहीं अम्मा, ऐसा समझाऊंगी कि सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ अम्मा। साहिबा ये तू क्या कह रही है? मोहब्बत का तमाशा दिखा रही है? अभी बदनामी से जी नहीं भरा तेरा? नूरा क्या करूं, तू अच्छी तरह जानती है मेरे दिल के हर टुकड़े पर मिर्जा का नाम लिखा हुआ है। वही मेरा दूल्हा है, वही मेरा साथी। उसके सिवा मैंने किसी दूसरे का ख्याल भी किया हो तो मुझ पे बिजली टूटे। मैं सब कुछ जानती हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ क्यों खुशी से कपड़े पहन ले, शादी की तैयारी कर, होंठों पे मुस्कुराहट ला। शादी के दिन भी कहीं दुल्हन उदास हुआ करती। नूरा जख्मों पे नमक न छिड़क, तू भी दूसरों की तरह दुश्मन हो गई। साहिबा लोगों की तरह मैं भी तुझे दुल्हन देखना चाहती हूँ। फर्क इतना है, लोग फुमन को तेरा दूल्हा बनाना चाहते हैं और मैं मिर्जा को। नूरा तू खुश रहे, तेरे मुंह में घी शक्कर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता, मैं भी यही सोच रही हूँ कि कैसे होगा। अभी तक तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। नूरा तूने एक बार कहा था मोहब्बत अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। हाँ इसका एक ही रास्ता है, मैंने सोचा है कि मिर्जा के पास जाऊं। नूरा फिर तू क्यों नहीं जाती? नूरा क्यों नहीं जाती, मेरा तो ये हाल है, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। कोई ऐसे भी जाता, कोई सरकारी हुस्न की तरफ से दरख्वास्त, कोई अर्ज, कोई मिन्नत, कोई खुशामद। जिंदगी और मौत का खेल हो रहा है और तुम मजाक करती हो। नूरा मिन्नत और खुशामद क्या, मैं तेरे पांव पड़ती हूँ, जा मिर्जा से कह अगर अपना आए तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। दो जिंदगियों की खुशी चाहते हो तो आंधी की तरह आओ। जा नूरा इससे पहले कि शादी की महफिल मातम की महफिल बन जाए, मेरे खुशी के चराग को ले आ। अच्छा जुदाई का सुनाए, आजा तुझे अफसाना जुदाई का सुनाए, जुदाई का सुनाए। जो दिल पे गुजरती है, जो दिल पे गुजरती है वो आँखों से बताए, वो आँखों से बताए। आजा तुझे अफसाना जुदाई का सुनाए, जुदाई का सुनाए। जाने वाले उनको ये पैगाम सुनाना, जाने वाले
कौन हो तुम? मैं नूरा हूँ, मिर्जा से मिलने आई हूँ। तू चाहे नूरा है चाहे अंधेरा, मिर्जा किसी से नहीं मिलेगा, चल। मिर्जा की हमदर्द हूँ, साहिबा ने एक जरूरी पैगाम देकर मुझे भेजा है। साहिबा ने भेजा है? हाँ। तो तुझे मिर्जा से जरूर मिलना चाहिए, चल। मिर्जा तुम्हारा जिक्र करता था। अच्छा? कहता था तुम बहुत अच्छी हो, साहिबा को तो वो दिन रात याद किया करता है। बड़े एहसान है तुम लोग के मिर्जा पर। कहाँ है मिर्जा? चल मिलाती हूँ अभी। कहाँ है? इस कोठड़ी में बेचारा दिन रात बैठा साहिबा की याद किया करता है। इस कोठड़ी में? हाँ हाँ, चल। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, साहिबा की जिंदगी और मौत का सवाल है। साहिबा की जिंदगी और मौत का सवाल है, और मिर्जा बेचारे का किसी को ख्याल ही नहीं। फिर पैगाम आने लगे, साहिबा का ख्याल होगा, मिर्जा की कोई हड्डी सलामत रह गई है, वो भी क्यों बची रहे। अब पड़ी चिल्लाती रहो इस कोठड़ी में। मिर्जा, मिर्जा। नूरा की आवाज? नूरा यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ हूँ मिर्जा, कोठड़ी में। नूरा, तू कब आई? दुआ सलाम बाद में, पहले मुझे इस कोठड़ी से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। मोहब्बत किसी की, पैगाम किसी का, और कैद हो गए हम। पैगाम? अभी कुछ नहीं बताऊंगी, पहले मुझे इस कोठड़ी से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। तुम्हारी बहन ने यहाँ कैद किया मुझे, उसे तो थानेदार बनना चाहिए था, थानेदार। हाँ मिर्जा, ये शादी की तैयारियां कैसी? मेरी बहन की शादी है, बरात आने वाली। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ साहिबा कैसी है? वहाँ भी बरात आने वाली है, यहाँ खुशी की, वहाँ मातम की। क्या मतलब है तेरा? साहिबा तो खुश है ना? अभी तक तो खुश है, लेकिन तुम वहाँ हवा की तरह ना पहुंची तो वो खुश ना रह सकेगी। हुमन बारात लेकर आ रहा है, दुल्हन को जिसका इंतजार है वो उससे कोसों दूर है। साहिबा ने पैगाम भेजा है कि अगर अब ना पहुंचे तो फिर क्या फायदा। नूरा, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। मिर्जा और साहिबा की रूहों की शादी हो चुकी है, ये दोनों कभी जुदा नहीं हो सकते। मिर्जा के जीते जी कोई साहिबा की तरफ नजर उठा के भी नहीं देख सकता। नूरा, तुम जाओ, साहिबा से कहना कि उदास न हो, आंसू पूछ ले, मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा। नूरा तुम जाओ। साहिबा, 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 खुश हो जाओ साहिबा, साहिबा खुश हो जाओ, मिर्जा आएगा। मिर्जा आएगा? हाँ मिर्जा। दरवाजा किसने खोला? कहाँ गई साहिबा का पैगाम लाने वाली? भाईजान, कहाँ जा रहे हो भाईजान? छत्ती, मैंने तुमसे कहा था ना आज किसी का पैगाम आने वाला, तूने नूरा को कैद करके बड़ा जुल्म किया। ये साहिबा की जिंदगी और मौत का सवाल है, अगर आज नूरा मुझसे न मिलती तो कयामत आ जाती। मिर्जा साहिबा की मोहब्बत, सारी उम्र आंसू बहाती रहती। मैं साहिबा से मिलने जा रहा हूँ। तुझे हर तरफ साहिबा ही साहिबा दिखाई देती है, घर में तेरी बहन की शादी है, बारात आने वाली है, रस्में अदा होने का वक्त हो चुका और तू घर से बाहर जा रहा है। बहन की शादी कैसे होगी भाई के बगैर? रस्में कौन अदा करेगा? बारात का इस्तकबाल कौन करेगा? मुझे ढोली में कौन बिठाएगा भाईजान? शक्ति, यहाँ एक ढोली खुशी का पैगाम बनकर आ रही है, और वहाँ एक ढोली दो दिलों की खुशी लूटने के लिए। यहाँ खुशी का दिन है, वहां मातम की घड़ी। मिर्जा किसी बहन का भाई है, किसी दुल्हन का दुल्हा। बहन इंतजार कर सकती है, दुल्हन नहीं। छत्ती, मैं वायदा करता हूँ, मैं तूफान की तरह जाऊंगा, आंधी की तरह लौटूंगा, तेरी सारी रस्में अदा करूंगा, तुझे डोली में बिठाऊंगा। मेरी अच्छी बहन, मुझे ना रोक, मुझे जाने दे। तू नहीं जा सकता, तेरे बगैर तेरी बहन की शादी कैसे होगी? अम्मा, इस शादी में देर हो सकती है, उस शादी में नहीं। अगर देर हो गई तो अंधेर हो जाएगा। भाईजान, तेरी बहन के हाथों की मेहंदी तुझे कसम देकर रोकती है। यहाँ तेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, वहां किसी की आरजुओं का खून हो रहा। अम्मा, छत्ती, तुम वो नहीं देख सकती जो मैं देख रहा हूं। देखो, साहिबा आंसू भरी आंखों से मेरा इंतजार कर रही है। अगर उसके इंतजार की डोर टूट गई
अगर मुझे जाने में देर हो गई तो वहां साहिबा नहीं साहिबा की लाश मिलेगी। मुझे जाने दो, मेरा रास्ता ना रोको। छत्ती, मैं वादा करता हूं मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा। नीली, मेरे भाई को वापस लेकर आना, देर ना करना। मेरा भाई तलवारों की छांव में जा रहा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझसे ले लूंगी अपना भाई। छत्ती, तेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये तीर कमान मेरा साथ देगा, मौत को भी मुझसे आंख मिलाने की जरूरत न होगी। अच्छा अम्मा, अच्छा छत्ती, साहिबा मुझे बुला रही है। बहन से हाथ छुड़ा कर जा रहे हो? अच्छा नहीं किया भाईजान, अच्छा नहीं किया। माँ, सामने गली में मेरा घर है, सामने गली में मेरा घर है। पता मेरा भूल न जाना हो, पता मेरा भूल न जाना। सामने गली में मेरा घर है, सामने गली में मेरा घर है, सामने गली में मेरा घर है। पता मेरा भूल न जाना हो, पता मेरा भूल न जाना। सामने गली में मेरा घर है, जहर हिला दे। अगर इंतजार की डोर टूट गई तो मैं उसी वक्त अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। कैसी बातें कर रही हो साहिबा? वो जरूर आएगा, आंसू पोंछ ले, आज तेरी शादी है। शमी, अब मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी बुलवाओ ना उसे। ना मरा क्यों जाए? अरे वक्त ऐसा है, तो मुझे कत्लगाह की तरफ लिए जा रही है। वो नहीं आएगा। नहीं साहिबा, उसने वादा किया था, वो जरूर आएगा। मिर्जा, मिर्जा, मैंने कहा था ना मिर्जा आएगा। मिर्जा, साहिबा, चलो चलो। छत्ती, बारात आ चुकी है, मिर्जा अभी तक नहीं आया। वो जरूर आएगा, उसने मुझसे वादा किया था। वो अपने हाथों से मुझे डोली में बिठाएगा, मेरा कर्ज है उसके सर पर। नीली, तूने किसी से वादा किया है, याद है तुझे? जल्दी चल नीली। यहाँ तो कुछ भी नहीं,
समीर सब सवारियां ले चुके, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? अजी हजूर, जा 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 बेवफा, मैं साहबा के पीछे जाता हूं, मगर जाऊं तो कैसे जाऊं, सवारी तो है ही नहीं। अजी हजूर, देखिए मैं आपके लिए कितनी अच्छी सवारी लाई हूँ, ये देखो, आओ हाय, चलो देखो पसंद है ना? बस बस तू ही दिखाई देती है मुझे, जा जा तू घर जा, तू अच्छी है ना? जी अरे नूरा तू बेवफा न करना। कहाँ ले जा रही हो? पगली न बन, तेरी डोली आ गई, मगर डोली में बिठाने वाला नहीं आया, माँ मैं नहीं जाऊंगी। जरा लगाम संभालो। कथी कथी की बच्ची, तुम्हें मालूम नहीं मिर्जा मेरी दुल्हन को ले भागा है, फिर भी नहीं चलती। अच्छा चल चल, नहीं चलती, नहीं चलेगी, चल सुना है। अभी मौत नहीं आ सकती, मैंने बहन से वादा किया था कि मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। वो देखो आ रहा है, वो तीर कमान लेकर नीली को भगाता हुआ, रास्ते का सीना चीरता हुआ, अपनी बहन को याद करता हुआ वो आंधे की तरह आ रहा है। नीली, नीली, कहाँ है मेरा भाई? तूने तो वादा किया था उसे लेकर आएगी, कहाँ छोड़ आई उसे? वो तीर कमान वाला बांका कहाँ है? मिर्जा, मिर्जा, मिर्जा। शादी की महफिल मातम की महफिल बन गई, सेरे के फूल आंसुओं में बदल गए, शादी की डोली मौत का जिनाजा बन गई। भाईजान कहाँ है तू? किस जालिम ने तेरी जिंदगी पर हाथ डाला? किसने तेरी कमान तोड़ दी? तूने मेरी कमान क्यों तोड़ दी? मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं उसे डोली में बिठाऊंगा। मुझे माफ कर दो मिर्जा। साहिबा, साहिबा, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, तीर कमान की विदा हो रहा है साहिबा। ऐसा ना कहो मिर्जा, ऐसा ना कहो, मेरे दिल पर छुरियां चल रही हैं, मैं तुझसे विदा होकर जिंदा ना रह सकूंगी। मिर्जा, मिर्जा, याद कर अपने वादे, सारी जिंदगी साथ साथ चलने का वादा किया था, मुझे जिंदगी के अंधेरे में छोड़कर कहाँ चला? मिर्जा, साहिबा तुझे मौत आए, तेरी जवानी बर्बाद हो, तेरी खुशियों में आग लगे, तू दर बदर की ठोकरें खाती फिरे, तेरा कोई सहारा ना हो, मेरे भाई को छीनने वाली तू भी तड़प तड़प कर मरे। मिर्जा, मिर्जा कहाँ चले? तुमने वादा किया था हम कभी जुदा ना होंगे, अब आंखें फेर कर ना जाओ, साहबा का सब कुछ लूट चुका, तेरे सिवा कोई सहारा ना रहा। मिर्जा, मिर्जा, तुझे साहबा के आंसू की कसम लौटा, मुझे अकेला छोड़ कर ना जाओ। मिर्जा, 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 साहबा मैं जा रहा हूँ, मिर्जा, साहबा, मिर्जा, मैंने तेरा दामन पकड़ा है, इसे मौत भी नहीं छुड़ा सकती, मैं भी तेरे पास आऊंगी।
लिखन वाले वे कोई लिख ही सकती गल मेरे दिल विच बलन मताबिया चलता ना बाद दे वाले पुतां दियां बनियां ने टेरियां हाय हाय वे मैं बैठी मिर्जा मल मैं ते मिर्जा पींगते विच कुड़ती दी ठल सानू झूठे देन सहेलियां हाय हाय बीबा इक दूजे दे वल ओ मेरी टूट गई पींग हुलारियो हाय हाय सच्चे साब ना पाई गा